नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके एंड जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है NCR। दोस्तों, NCR आपने जनरली सुना होगा टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में, और आप इसे जनरली दिल्ली से रिलेट करता हुआ पाते हैं। दोस्तों, आज इसी NCR के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके मैं NCR के संपूर्ण जानकारी, क्वेश्चन और तथ्यों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा NCR की फुल फॉर्म। तो NCR की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजन। क्या? नेशनल कैपिटल रीजन। NCR का गठन कब हुआ था? तो NCR का गठन हुआ था सन 1985 में, और इसका गठन दिल्ली से जनसंख्या, आवास और यातायात के तनाव को कम करने के लिए किया गया था। दिल्ली बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करके दिल्ली में आ रहे थे एजुकेशन या फिर जॉब पर्पस के लिए। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी, हाउसिंग थी और जो ट्रांसपोर्ट थी, इसकी प्रॉब्लम बहुत होने लगी थी दिल्ली में। इस वजह से NCR को बनाने का निर्णय लिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NCR का गठन किस एक्ट के तहत किया गया? तो NCR का गठन नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट ऑफ 1985। ये नाम आप याद रखेंगे। क्या? नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट ऑफ 1985 के अंतर्गत NCR का गठन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। NCR जो है, इसका प्लानिंग बोर्ड कौन सा है? कोई प्लानिंग तो करता होगा ना पूरे NCR का, तो इसका प्लानिंग करता है कौन? नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। बहुत आसान नाम है, प्लानिंग बोर्ड और नेशनल कैपिटल रीजन, बस उसी को जोड़ देना है, तो आपका आ जाएगा नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NCR किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है या फिर काम करता है? तो यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। इसे हम हिंदी में शहरी विकास मंत्रालय भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NCR का टोटल एरिया कितना था सन 1985 में? कितने एरिया कवर कर रहा था NCR हमारे भारत का? तो ये कवर कर रहा था 34,144 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है ये 1985 में कवर कर रहा था, लेकिन जो इसका वर्तमान में टोटल एरिया है वो है 54,984 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 54,984 किलोमीटर स्क्वायर, जिसे हम माइल में कहेंगे 21,229 स्क्वायर मील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। NCR के टोटल एरिया में दिल्ली का शेयर कितना है? तो उसमें दिल्ली का है 2.9%, जो उसका टोटल एरिया है उसमें शेयर है, यानी इसमें जो इसका 2.9% एरिया जो है दिल्ली में लाई करता है। ओके, NCR के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। ओके, तो इसमें आता है दिल्ली, NCT, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली जिले आते हैं, जिसका टोटल एरिया जोड़ने पे आता है 14,858 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 14,858 किलोमीटर स्क्वायर, और पॉपुलेशन है 14,576। करें हरियाणा की, तो हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवाणी, चरखी दादरी, नूह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पालवल, जींद, कर्नल आते हैं, जिसकी टोटल एरिया 28,545। अब इसमें पीपल कितने आते हैं, पॉपुलेशन कितनी पड़ती है इसमें, तो वो आती है 11,031 लोग। ठीक है, बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान का इसमें अलवर और भरतपुर जिला आता है, और जिसमें, और बात करें दिल्ली की, तो इसमें NCT दिल्ली पूरी आती है। ठीक है, बात करें मुख्य शहरों की, तो NCR के अंदर जो मुख्य शहर हैं वो हैं दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, पानीपत, कर्नल, सोनीपत, अलवर और भरतपुर। ये जो हैं फेमस सिटीज़ हैं किसके अंदर? NCR के अंदर आते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि NCR के अंदर कुल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या कितनी है? तो देखिए, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आप क्लियर कर लीजिए कि प्रेजेंट में, मैं ये वीडियो जो है मई 2020 में बना रहा हूँ, प्रेजेंट में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं और एक दिल्ली NCT है। इसके अंदर NCR के अंदर, देखिए NCR की कैपिटल सिटी कौन सी है, तो ये है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली को NCR की कैपिटल सिटी माना गया है। NCR में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो ये 4,60,69,000। कितना? 4,60,69,000, ये है NCR की टोटल पॉपुलेशन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि NCR की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, यानी जनसंख्या घनत्व कितनी है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पीपल रहते हैं NCR के अंदर। तो देखिए, NCR के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर में 840 लोग रहते हैं। बात करें अगर स्क्वायर मील की, तो ये रहते हैं 22 लोग। ठीक है, 2200 लोग पर स्क्वायर मील रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कंट्रीब्यूशन इन इंडिया जीडीपी, यानी जो एनसीआर वो इंडिया जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, ये करता है 7.5%, वो कितनी होगी 128.9 US डॉलर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्बनाइजेशन लेवल, यानी शहरीकरण का जो लेवल है वो कितना है एनसीआर में, तो एनसीआर में जो शहरीकरण का लेवल है वो है 62.6%, जबकि जो रूरलाइजेशन का जो लेवल है वो है 37.4%, यानी ग्रामीणकरण का जो लेवल है वो है 37.4%। अब देखिए अर्बनाइजेशन लेवल, तो अर्बनाइजेशन लेवल ये कि जो पूरा एनसीआर उसका कितना परसेंट क्षेत्र शहर में बदल चुका है, और रूरलाइजेशन लेवल यानी वो जो एनसीआर उसका कितना परसेंट क्षेत्र अभी भी ग्रामीण स्थिति में है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेमस प्लेसेस इन एनसीआर, यानी एनसीआर के अंदर कौन से फेमस प्लेसेस आते हैं, तो यह था साइबर हब, दमदम लेक, अप्पू घर, स्नो वर्ल्ड, किड्जेनिया, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर्स एंड किंगडम ऑफ ड्रीम्स, ये आते हैं एनसीआर के अंदर, जिसमें दमदम लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेशनल पार्क्स और फॉरेस्ट जो एनसीआर के अंदर पड़ते हैं ये कौन कौन से हैं, तो ये हैं संजय वन फॉरेस्ट जो न्यू दिल्ली में है, डियर पार्क दिल्ली में है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है गुरुग्राम में है, हौज खास फॉरेस्ट ये दिल्ली में है, और अरावली रिडजी यानी चोटी, अरावली जो पीक है ये भी एनसीआर में आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी जो टाइम टू टाइम एनसीआर में कई डिस्ट्रिक्ट को ऐड करते जाया गया है तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ देता है टाइमलाइन देकर। देखिए मैं टाइमलाइन वाइज बताता हूँ, देखिए जुलाई 2013 में हरियाणा का भिवानी और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया, जबकि राजस्थान का भरतपुर डिस्ट्रिक्ट भी ऐड किया गया। जून 2015 को हरियाणा का जींद पानीपत कर्नल जिला ऐड किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला भी इस दिन ऐड किया गया, और दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश का जो शामली जिला है वह भी एनसीआर के अंदर ऐड किया गया, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंड, यानी फ्यूचर में किन डिस्ट्रिक्ट को एनसीआर के अंदर ऐड करने के लिए सोचा जा रहा है। देखिए एनसीआर के अंदर डिस्ट्रिक्ट को ऐड करने से होगा ये कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका जो डेवलपमेंट का लेवल वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट का लेवल है वह दिल्ली के डेवलपमेंट के हिसाब से किया जाएगा। इस वजह से सभी राज्य अब कोशिश करते हैं, सभी राज्य तो एनसीआर में आ नहीं पाएंगे, इस वजह से जो आसपास के राज्य हैं कोशिश करते हैं कि अपना जो मैक्सिमम क्षेत्र है वो एनसीआर के अंदर आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश इसमें आता है, पंजाब का पटियाला मोहाली आता है, और राजस्थान का भद्र डिस्ट्रिक्ट आता है, इसको ऐड करने के लिए सोचा गया है। देखिए मैं इस वीडियो में कई जगह एक वर्ड का प्रयोग किया हूँ जिसका नाम है एनसीटी। अब आपके मन में तुरंत क्लिक कर गया होगा कि एनसीटी है क्या, तो एनसीटी और एनसीआर में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो देखिए एनसीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जबकि एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। टेरिटरी और रीजन का फर्क है। देखिए एनसीटी में केवल दिल्ली आता है, जबकि एनसीआर में दिल्ली के साथ जो अदर 24 जिले हैं वो आते हैं एनसीआर के अंतर्गत। एनसीटी में दिल्ली को लाया जाता है, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली जो है हमारे देश की कैपिटल है और एक यूनियन टेरिटरी भी है, तो इसको एक विशेष दर्जा देने के लिए इसे एनसीटी नाम दिया गया है। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एनसीआर से संबंधित लगभग 25 क्वेश्चन जाने हैं, जो कि मुझे लगता है कि इस टॉपिक से वेरी इनफ है। अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में बनता है तो मैं 99.9% डैम श्योर हूँ कि इससे बाहर से नहीं आएगा। बाकी ये रहा आज का हमारा वीडियो, यह वीडियो मुझे उम्मीद आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को जिस भी अपने जरूरी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं या रिलेटिव के साथ शेयर करना चाहते हैं उसे भी जरूर शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।